आइए आज आपको मिलवाते हैं एक बेहतरीन कलाकार से। जी हाँ, उस कलाकार का नाम है शिबू हेयर स्टूडियो, शिबू स्टाइलिश। जी हाँ, शिबू स्टाइलिश जो अपने हाथों से कलाकारी करके बालों को इतना सुंदर खूबसूरत बना देता है कि पूछिए मत। और उसके चाहने वालों की तादाद तो ये है कि हम भी खींचे आते हैं वहाँ पर शेव और कटिंग कराने के लिए। यस, ये देखिए शिबू है, शिबू स्टाइलिश। और इसका कमाल ये है कि ये देखिए दुकान ओपन करते हैं हम, और इसमें ये रेहान है, ये भी छोटा स्टाइलिश है। और लेकर जाते हैं हम सीधा इस पर। भाई कैसे हो शिबू? हेलो हेलो हेलो। तो आज भाई हम आपकी दुकान पर आ गए आपका ब्लॉग बनाने के लिए। क्या बात है, एकदम मतलब हीरो बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। और कौन कौन लोग आते हैं आपकी दुकान पर? आप भी आए हैं? हम तो आते ही हैं भाई, हम तो आपके ग्राहक हैं। दोस्त आए? अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। ये देखिए मैं आपको इनकी दुकान दिखाता हूँ। ये स्टाइलिश शोरूम है, एकदम एक ऐसा शिबू का स्टाइलिश हेयर स्टूडियो है कि जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की कटिंग के कारनामे दिख सकते हैं। ये इनका पूरा स्टूडियो है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और सबसे अच्छी बात यह है कि सस्ता और उत्तम। मैं समझता हूँ कि अगर एक बार आप यहाँ पर कटिंग कराने के लिए, शेव या मसाज कराने के लिए आएंगे, लेडीज जेंट्स दोनों कोई भी आ सकता है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शिबू पहले कहते थे कि लेडीज का, अभी मना करते हैं, ओनली जेंट्स। तो जेंट्स कोई भी आ सकता है और वेलकम है। तो भाई रेहान, आप बताइए कब से कर रहे हैं आप यहाँ पर काम? डेढ़ साल हो गया। डेढ़ साल हो गया, पूरे स्टाइलिश हो गए यहाँ पे पूरे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर के। बिजनौर का नाम सुना। और भाई आपका क्या, शिवू आपके बारे में तो पता ही नहीं है भाई, कहाँ के हैं आप? आपको तो अच्छी तरह पता है। अरे इतना पता है, लेकिन ये तो मुझे मालूम है कि तुम यहाँ के मामू हो, लेकिन उसके अलावा लोग आपको प्यार से मामू कहते हैं, लेकिन वैसे भाई आप मामा ही हुए ना यहाँ के, तो बच्चे आपको सारे मामा कहते हैं। तो चलिए, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और ये अब हम इसको ले जाते हुए, देखिए ये सारा स्टाइल, ये बाहर का नजारा, ये बाहर जो बैठा है ये लंबू, ये भी स्टाइलिश है, बड़ा प्यारा। यस, और इसको हम पूरा करते हुए ये देखिए ये, और यहाँ से हम इसको ले जाते हैं स्टूडियो। ये स्टूडियो, ये शिबू हेयर स्टूडियो। यस, तो अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। आज तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, गुड बाय।